लड़ा था कि मेरा भतीजा है 520 के लड़की बीच में एक लड़का हुआ, इसका घबराहट हो गया, बेहोश टाइप हो गया था। 500 लड़की के बीच में एक लड़का है ना, इसी के कारण जो है कौन से। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज से इंटर की परीक्षा शुरू हो गई। नालंदा में एक परीक्षा केंद्र पर 500 लड़कियों के बीच एक लड़का का सेंटर चला गया, लेकिन वह लड़का अपने आप को लड़कियों के बीच देखकर घबरा गया और लड़के की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में इलाज के लिए लड़के को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़के का इलाज जारी है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिहार शरीफ के ब्रिलियंट कॉन्वेंट में लड़कियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया। ब्रिलियंट कॉन्वेंट परीक्षा केंद्र में सैकड़ों की संख्या में लड़कियों के बीच एक लड़का परीक्षार्थी मनीष शंकर का भी सेंटर चला गया। मनीष परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में गया, लेकिन वह लड़कियों के बीच अपने आप को नहीं संभाल सका। परिजनों ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लड़कियों के बीच अपने आप को अकेला देखकर मनीष घबरा गया और परीक्षा केंद्र में यह बेहोश होकर गिर गया। आनन फानन में परीक्षा केंद्र पर मौजूद लोगों के द्वारा इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां परीक्षार्थी मनीष का इलाज चल रहा है। लड़ा था कि मेरा भतीजा है 520 के लड़की बीच में एक लड़का हुआ, इसका घबराहट हो गया, बेहोश टाइप हो गया था, उनके द्वारा इसको लाया गया है। कौन सा स्कूल में परीक्षा दे रहे थे? इसके लिए की हादसा हो गया, इसी के कारण यह हादसा हो गया। गया था अब एग्जाम देने के लिए, देखो थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, ज़्यादा माथा में दर्द हो गया, घबराहट हो गया, फीवर आ गया, और एक लड़का 500 लड़की के बीच में एक लड़का दे दिया। 500 लड़का के बीच एक लड़की, लड़का है 500 लड़की की जगह पर एक लड़का दे दिया, तो घबराहट हो गया, और पूरा हॉल में दे दिया, आगे सा सेंटर था, घबराहट हो गया। 500 लड़की के बीच एक लड़का है ना, इसी के कारण जो है घबराहट हो गया। कौन सा स्कूल में? क्या नाम है आपका? मेरा मनीष कुमार। मनीष कुमार नाम है आपका? मेरा पुस्तकालय से नाम। वहाँ क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।